हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर ऑल ह्यूमंस बीइंग्स आर इक्वल। तो बच्चों, हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज डाइवर्सिटी, विविधता क्या होती है। हम सब जानते हैं कि कैसे हमारे देश की ज्योग्राफी, हमारी हैबिट्स डाइवर्सिटी को प्रभावित करती हैं। तो एट टाइम्स वी मीट पीपल हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस। तो हमारा जो इंडिया है, यहाँ पर अलग अलग धर्म जाति के लोग रहते हैं हमारे समाज में, इसलिए ये हमारे जो डिस्पैरिटी है इज ऑब्वियसली बहुत फॉर्म्स में है हमारे कंट्री में। इकोनॉमिक स्फीयर में इंडिया का एक मिक्स पैटर्न है, जो कि एक कैपिटलिस्टिक और सोशलिस्टिक इकोनॉमी का कॉम्बिनेशन है। इसलिए इनइक्वेलिटी इज ए कॉमन फिनोमिना। टाइप्स ऑफ इनइक्वेलिटी जो है इंडिया में, वो स्ट्रक्चर स्ट्रक्चरल नेचर में है। तो इस तरह से बहुत सारे एनोमलीज हैं, जैसे कि इलिटरेसी, कास्टिज्म, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जिससे हमारे देश में विविधताएं हैं। तब हम पढ़ते हैं व्हाट इज प्रीजुडिस। तो प्रीजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन, ये दोनों इंडिविजुअल और सोशल लेवल पर होते हैं। इनसे पीछा छुड़ाने के लिए हमें सोसाइटी के में बिलीफ एग्जिस्ट करना पड़ेगा, ये कि विश्वास रखना पड़ेगा कि हम सोचते हैं कि एक पर्टिकुलर तरीके से हमने सोचा कि कोई चीज बेस्ट है या वो चीजें करने के लिए सही है। तो वी ऑफन डेवलप ए निगेटिव एटीट्यूड और ओपिनियन अगेंस्ट हु दोज हु डू इट अदरवाइज। मतलब अगर हमने जैसा सोचा कि ये सही है, तो हम सोच लेते हैं कि जो वो नहीं कर रहे हैं वो गलत है। तो इस तरह से प्रिजुडिस जो है वो एक ऐसा तरीका है जिसमें हम जो हमसे अलग लोग हैं उनके बारे में कुछ भी जज कर लेते हैं, जजमेंट देते हैं, या उसके बारे में एक तरह से सोचने लगते हैं। ये एक निगेटिव थिंकिंग है कि मतलब हम इसमें लोगों के, जैसे कास्ट में डिफरेंस है, उनकी रिलीजन, रेस, लैंग्वेज, नेशनलिटी, कस्टम्स, ट्रेडिशन में जो डिफरेंस होता है, उसके प्रति हम लोगों में, दूसरे लोगों के प्रति एक गलत धारणा बना लेते हैं। ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज इन्वॉल्व बिहाइंड प्रिजुडिस, कि जिससे कि दैट इज डिफिकल्ट टू चेंज, जिसे बदलना बहुत ही मुश्किल होता है। एंड प्रिजुडिस जो है वो स्किन के कलर के वजह से भी हो सकती है, या लोग जो बोलते हैं अलग अलग भाषाएं, या अलग अलग तरह के जो कपड़े पहनते हैं, इस तरह से भी हम प्रिजुडिस जो है वो हो सकता है। प्रिजुडिस्ड पर्सन जो होता है वो अक्सर दूसरों के द्वारा चिढ़ाया जाता है, और उसमें क्या होता है, वो दूसरे लोगों को चिढ़ाता है और उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। दूसरे होते हैं स्टीरियोटाइप्स। तो स्टीरियोटाइप क्या है? स्टीरियोटाइप इज ए फिक्स जनरल इमेज ऑफ ए पर्सन और थिंग क्रिएटेड इन अवर माइंड। एक किसी चीज के बारे में हम अपने दिमाग में एक धारणा बना लेते हैं, एक पर्टिकुलर चीज के बारे में, कि लड़कियां तो ऐसी ही होती हैं या लड़के तो ऐसे ही होते हैं। तो अक्सर क्या होता है, किसी पर्सन या किसी कम्युनिटी के बारे में हम एक धारणा बना लेते हैं और अपने को एक स्टीरियोटाइप बना लेते हैं। तो स्टीरियोटाइप्स जो होते हैं वो जो यूनिक क्वालिटी वाले लोग होते हैं उनको एक जैसे नहीं देखते। तो इंस्टेड दे प्लेस ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल अंडर वन कैटेगरी। तो बच्चों, व्हाट ओपिनियन डू यू फॉर्म अबाउट देम इन द फॉलोइंग केसेस? जैसे शी इज एरोगेंट, हम कैसी भावना बना लेते हैं कि वो तो बहुत एरोगेंट है, या शी इज सॉफ्ट स्पोकन एंड गुड मैनर, या शी इज फियरलेस, या शी लाइक्स टू प्ले आउटडोर गेम्स, या शी इज नॉटी, शी इज स्ट्रॉन्ग एंड स्टाउट, या वो दूसरों की टांग खिंचाई करना पसंद करती है, या वो बहुत बातूनी है। तो इस तरह से हम किसी एक पर्टिकुलर के बारे में ऐसी धारणा बना लेते हैं, उसे स्टीरियोटाइप बोलते हैं। अब नेक्स्ट है स्पेशल चिल्ड्रन, या केस स्टडी के बारे में पढ़ते हैं उसमें। तो चाइल्ड इज स्पेशल जब उसकी जो कैपेसिटीज है या उसकी नीड्स जो होती है वो दूसरे बच्चों से डिफरेंट होती है। उसको डिफिकल्टीज, डिसेबिलिटीज हो सकती है विच अदर चिल्ड्रन डू नॉट हैव। तो अक्सर क्या होता है, स्पेशल चिल्ड्रन जो होते हैं, हम डिसेबल्ड, इम्पेयर्ड या हैंडीकैप लोगों, बच्चों को बोलते हैं। चाइल्ड इज सेड टू बी इम्पेयर्ड यदि वो, उसने उसमें कोई अबनॉर्मलिटी है, या उसका कोई स्ट्रक्चरल पार्ट नॉर्मली फंक्शन नहीं कर रहा है। इस तरह से डिसेबल्ड चिल्ड्रन आर नाउ कॉल्ड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो आप कभी एक ऐसे बच्चे से मिले होंगे जरूर, तो क्या आपने कभी सोचा है कि उन्हें कैसा महसूस होता होगा यदि हम उनसे अच्छी तरह से बिहेव ना करें, या दे डोंट नीड पिटी, उनको किसी दया या सिंपैथी की जरूरत नहीं होती है, एंड व्हाट दे नीड इज
इक्वल ट्रीटमेंट, उनको साथ भी बराबरी का व्यवहार होना चाहिए. जनरली सच टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन, उनको हम फिजिकल और मेंटल कंडीशंस के बेस पर डिवाइड कर सकते हैं. मेनी ऑफ अस माइट हैव प्रीजुडिस अबाउट मेंबर्स ऑफ ग्रुप डिफरेंट फ्रॉम अवर्स, जो हमसे अलग है उनके बारे में हम एक प्रीजुडिस धारणा बना लेते हैं, जबकि वो सही नहीं है. कि जो लोग हमसे डिफरेंटली, हम उन लोगों से अलग तरह से बिहेव करते हैं क्योंकि वो उन्हें कुछ स्पेशल चीजों की जरूरत होती है. अब हम पढ़ते हैं स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी. बच्चों फ्रीडम की स्ट्रगल के समय से ही दलित, वुमेन, ट्राइबल, फार्मर, ये सभी उन्होंने फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ी थी फॉरेन रूलर्स के खिलाफ, एंड ऑल्सो फॉर देयर डिग्निटी एंड इक्वालिटी. जब से क्या है, दलित जो है वो डिस्क्रिमिनेशन के विरुद्ध लड़े, वुमेन जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज के लिए लड़ी एजुकेशन में मैन की तरह, और ट्राइबल और फार्मर्स जो है वो फ्रीडम के लिए लड़े. तो इस तरह से अलग अलग लोगों ने अलग अलग जगह पर इक्वलिटी के लिए स्ट्रगल किया है. अब कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, तो बच्चों जो दलित वर्ड है वो डिस्क्रिमिनेशन से निकला है. तो हमारी सोसाइटी जो है पर्टिकुलर क्लास को एक तोड़ देती है अलग हिस्सों में, जिसे कि दलित बोलते हैं, जो कि गवर्नमेंट में उन्हें शेड्यूल कास्ट बोला जाता है. एंड जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो जो सबको बराबरी का अधिकार देता है, मैन और वुमेन दोनों को. तो मतलब एनी सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, लैंग्वेज या प्लेस ऑफ ओरिजिन, इट इंश्योर्स एंड इंस्ट्रक्ट द गवर्नमेंट टू टेक स्पेशल स्टेप्स फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वुमेन, चिल्ड्रन, माइनॉरिटीज, ओबीसी. तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट करता है और वीकर सेक्शन को प्रोटेक्ट करता है. पार्ट थ्री, फंडामेंटल राइट्स. तो पार्ट थ्री ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फंडामेंटल राइट्स के बारे में है, एंड इट कंटेन्स पावरफुल प्रोविजंस टू फाइट ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, उसमें की कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सेक्स, लैंग्वेज या प्लेस ऑफ ओरिजिन के बेस पर उसमें डिस्क्रिमिनेशन के सभी फाइट्स हैं जिसके विरुद्ध को बेस लेकर हम लड़ सकते हैं उसमें. एवरीबडी हैज इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, एवरीवन हैज द फ्रीडम टू चूज हिज और हर ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन. ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करता है और इक्वलिटी में विश्वास रखता है. इट इज अवर ड्यूटी टू लिव एंड वर्क एम्बिकली एंड प्रोडक्टिवली विद ऑल अदर्स, जो कि बहुत अलग अलग कल्चरल ग्रुप में बैकग्राउंड और एबिलिटीज के साथ लोग हैं, उन सबके साथ मिलकर हमें एक साथ काम करना चाहिए. बट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑब्स्टेकल्स इन अवर वे इज प्रेजुडिस, एंड इसके विरुद्ध हमें लड़ना होगा, एंड वी हैव टू पुट इट डाउन विद एन आयरन हैंड. थैंक यू.